हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम दशम श्रेणी माध्यमिक व्याकरण द्वितीय अध्याय णत्व विधि सत्व विधि और साधारण अशुद्धि आलोचना करिबा। प्रथमे आम देखिबा णत्व विधि कौन। णत्व विधि कौन ना न स्थान रे ण हेले ताहाको आमे कौन कहिबा अणत्व विधि बोली कहिबा। केमिति न स्थान रे न हबो, उदाहरण देछि मदन दान दीन दीन मुन प्रसून्न फेन दैन्य। द्वितीय रे सेमति लेखा हैछि ऋण तृण मसृण जीर्ण विदीर्ण उत्तीर्ण कृष्ण, एहिपरि कौन केते गोटे शब्द देछि। आमे जो देखिले प्रथमे जो देछि कौन ना मदन दान दीन सब देछि, आरो वर्ण रूप कौन है आपको भांगिले कौन हम ना म अ द अ न अ मदन। न कोटी व्यवहार करा जाए छी ना अकार परे कौन व्यवहार करा जाए छी न व्यवहार करा जाए छी। द्वितीय रे देखिले कौन ना दान द आ न अ, एठी कौन व्यवहार करा गला ना एठी आ कार परे न बसिछि बुझिला। तापरे दिन न द इ न अ एठी केमती व्यवहार होइछ ना इ कार परे। तापरे एठी कौन होइछ दिन दीर्घई दीर्घई न दीर्घई कार परे व्यवहार करा जाइछि। तापरे देखो उदाहरण मुन हर्षौ कार परे न अवस्थान करिछि। प्रसून्न एटि कौन ना दुर्घ कार परे न बसिछि। तापरे फेन का परे बसिछि ए परे ए कार परे न बसिछि। दैन्य ऐ कार परे कौन होइछि न रहिछि। आमे एथिरु कौन बुझिले ना अकार आकार हर्षईकार दीर्घईकार हर्षौकार एकार ऐकार स्वर परे कौन रहिछि न रहिछि। एहि सबु शब्द गुड़िक न स्थान रे न होइपारिबो नाही। आमे एटी कहिले जे णत्व विधि होउछि न स्थान रे ण रो व्यवहार करा जिवो, किंतु आमे ए जो शब्द देखिले जदि अकार परे न व्यवहार करा जाइथिबो किंबा आकार हर्षईकार दीर्घईकार हर्षौ दीर्घौ ए ऐकार परे न व्यवहार करा जाइथिबो ताहाले न स्थान रे ण होइपारिबो नाही। तापर द्वितीय धड़ी जो उदाहरण देखा देखा जो शब्द कौन ना ऋण कौन ना रु न अ रु परे कौन बसी न बसी रूपरे न बसी न कौन है ण रे परिणत हो तृण रूपरे न बसी। तापर मसृण रूपरे न बसी जहाँ कौन है रूपरे ण रे परिणत हो जीर्ण कौन का परे बसी र परे न बसी विदीर्ण इटि भी र परे न रहा कौन अवस्थान होपर देख उत्तीर्ण इटि क्या परे बसी इटि भी र परे बसी कृष्ण मूर्धन्य स परे न बसी कौन हो न व्यवहार हो कि न हो भाषण इटि भी सत् परे न र्यवहार हो। सेहिपरि भावरे अन्वेषण हितैषणारे मध्य स परे ण होइछि। एथुरे आमे कोन जानले ना एक पद्य मध्यरे रु र मूर्धन्य स परे न थिले कोन हुए ण हुए। मने रहिला एक पद मध्यरे रु र स परे न थिले कोन हुए ण हुए। तापरे देखिबा आउ कोठी न परे ण हुए प्राण। प्राण कौन वर्ण रूप प र आ न अ एटि कौन है ना स्वर वर्ण आ परे न रही से ण हो न स्थान ण हो दारुण ये कौन हर्षौकार परे न व्यवहार कर मार्गण ग परे न व्यवहार कर ग हूँ कौन क वर्गर क वर्ग कहले क ख ग घ उ ग आसुची कहार क वर्गर। तापर दर्पण दर्पण रे कौन है ना प वर्ग रे
प वर्ग परे न व्यवहार नर अवस्थान रही। रुक्मिणी इटि कौन व्यवहार ना म परे, म होची कौन ना प वर्गर। प्रयाण, प्रयाण कौन ना प वर्ग परे नर व्यवहार करा दे छी। बुझेला तापरे म्रियमाण, म्रियमाण कौन प वर्ग होची कौन म, म परे नर अवस्थान रही। से रावण, रावण कौन ब, वो परे न अच्छे से कौन हो न व्यवहार कि रावण न कह रावण बोली उच्चारण करा जाए। अपराह्न, अपराह्न कौन ह परे न अच्छे। एथर आम कौन जानले ना रु र स परे, रु र स र ठीक परे न थिले किंबा स्वर वर्ण क, क वर्ग क ख ग घ उ बा प वर्ग प फ ब फ म अथवा ज य व ह परे कौन हुए ना न थिले न हुए। आमे भी उदाहरण देखिले किपर भाव न थिले न रे परिणत होइछि। आउ कौन कहा जाइछि ना एथि मध्यरु एक किंबा एकाधिक वर्णर व्यवधान थिले मध्य न र कौन न ण रे परिणत होइछि। किपर भाव रे एटि देखो आमे देखिले अपराह्न कहिले एठी कौन होइछि ह परे न होइछि। एठी आमे देखे रावण ओ परे न अच्छी, ओ परे कौन अच्छी अल तापर न अच्छी स्वर वर्ण हो कौन अ। आम एना संज्ञा रु देखिले कौन ना स्वर वर्ण किंबा क वर्ग प वर्ग ज य ओ ह परे न थिले न हुए। तापर कौन कहला गोटे धाड़ी ना एक किंबा एकाधिक वर्णर व्यवधान थिले मध्य न ण रे परिणत हुए। गोटे वर्णर व्यवधान रही न कौन परिणत हो ण रे परिणत हो। बुझेला तापरे कौन कहुची ना रु र स परे अन्य वर्णर व्यवधान थिले कौन हुए न ण हुए नाही। आमे सेठी जानले सेठी कौन है ना एक एकाधिक वर्णर व्यवधान रे न ण रे परिणत हुए। एठी कौन कहुची ना रु र स परे अन्य वर्णर जदि व्यवधान थिले न कहब अण हेब नाही। जेपरि भाबरे उदाहरण कौन ना रचना, मार्जना, वर्णना, कीर्तन, नर्तन, अर्जुन, मूर्छना इत्यादि हूँ कौन अण न परे अण होना। देख ये उदाहरण देखिए रचना र अ च अ न आ रचना तार वर्ण रूप दे च व्यवधान रही से कहे न पूर्वर च रही थी न अण रे परिणत होना। आमको केतोटी जिनिष मन रखा हम कौन कौन ना अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ऐ आदि कौन आदि हूँ स्वर वर्ण, स्वर वर्ण परे न ण रे परिणत हुए ना। द्वितीय रे कौन ना रु र स परे न जदि थिबो ताहाले ण रे परिणत हेब। तृतीय रे कौन मन रखा ना क वर्ग क ख ग घ उ आउ प वर्ग प फ ब भ म ज य अंत्यस्त व ह अनुसार व्यवधान थिले मध्य कहब न ण रे परिणत हेब। आमे देखिले किपर भाव न ण रे परिणत होइछि। आउ केतो गोटी शब्द अछि कौन हुए ना ण तार कौन थाए स्वाभाविक भाव थाए ता देहरे आगर न थाए कि ण रे परिणत होइनि से केवल स्वाभाविक भाव ण बोलिकि व्यवहार करा जाइछि। देखिबा से भली उदाहरण कौन ना अणा, अणाकार, आण, कणा, कणिका सॉरी खुण, गुणन, चाणक्य, जणाण, निशाण, फेडाण, बाण, बाणी, मणिमा, हईराण इत्यादि कौन ये सब शब्द मान ण तार स्वाभाविक भाव रही अच्छे। बुझला आम एठ कौन शिखिले ना पद मध्य न स्थान ण होगाको कौन कहा जाए नत्तो विधि बोली कहा जाए। आमको मन रखा हेब रु र स परे न थिले ण हुए, क वर्ग क ख ग घ उ, प वर्ग प फ ब भ म, ज य
ओ ह व्यवधान थिले मध्य न ण रे परिणत हुए। द्वितीय भाग रे आमे सत्वविधि आलोचना करिबा। धन्यवाद। वीडियो टी भल लागिले लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। थैंक यू सो मच।